जब हम छोटे थे जो भी सोचते थे हो जाता था। रूपनगर में रहते थे, रिश्ते कितने सच्चे थे, फिर वो सब छूट गया, खिलौना टूट गया, ऐसा हुआ जाने क्यों, दिल ये बातें माने क्यों। tell me why ये हुआ जाने क्यों, tell me why दिल ये माने क्यों। ये बात मेरे लिए बहुत अजीब थी कि आंटी डैड को बगैर बताए उनके लॉकर्स और जेवरात खुलवाना चाहती थी, और एक दिन तो मेरी जान ही निकल गई जब मुझे और फैज़र को मुर्दखाने जाना पड़ा किसी हादसे में मरी हुई लाश को देखने। आंटी को माया के बारे में वाकई कुछ पता नहीं था। यह हमें तब समझ आया जब राशिद ने खुद बताया कि माया उसके पास है। माया मेरी बहन थी, वो बुरे से बुरे हालात से लड़ना जानती थी, शायद इसीलिए राशिद के ठिकाने से भाग निकली। माया तो खुद हैरान रह गई ये जान के कि राशिद किस कदर गलत कामों में इन्वॉल्व है, और मुझे मेरी बहन माया बहुत याद आ रही थी।
आपका फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? ज़ेब, हेलो, ज़ेब, मैं माया बोल रही हूँ। ज़ेब, मैं राशि के घर से भाग गई हूँ। हाँ, वो मेरा पीछा कर रहा है, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। प्लीज अपने घर का पता दे दो। हाँ, मैं आ रही हूँ। हाँ, ओके, थैंक यू। प्लीज, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे माफ कर दें। शुक्रिया बहुत आपका। हाँ बोल, कहाँ, किस बिल्डिंग के पास, किसने देखा उसको? पान वाले ने? लड़की वही है ना? ठीक है, तो वही रुकना, पहुंच रहा हूं। छुपा दो, मुझे लग रहा है मेरा पीछा कोई कर रहा है। मैं राशि के घर से भाग कर आई हूँ। कोई नहीं आ सकता यहाँ पे, कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। डोंट वरी ज़ेब, किसी को पता तो नहीं चलेगा कि मैं यहाँ हूँ। यहाँ कोई नहीं आ सकता, तुम मत हो परेशान माया। ज़ेब, उसने मुझे बेच दिया था, वो ऐसा इंसान है। जानती हूँ, उसे तुम्हें कैद करके रखा हुआ था ना। तुम्हें पता था? हाँ, सूफी आपा के पार्लर में जब गॉसिप होती है ना, तो बड़ी बड़ी कहानियां सामने आती हैं। ये भी जानती हूँ कि उसने तुम्हें किसके हाथों भेजा था। तुमने कुछ किया क्यों नहीं? मैंने बताती हूँ, आओ तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, बैठो। पानी पियो। मैं जानती थी कि तुम बिक चुकी हो, मैं क्या कर सकती थी? जो खुद बिक चुकी हो, वो किसी को क्या बचा सकती है? मैं तो एक कटी पतंग की तरह हूं, कभी इधर गिरती हूं, कभी उधर। रोज जीती हूं, रोज मरती हूं। 6 सालों से मैं उनके चंगुल में हूं, आज तक नहीं निकल सकी। शुरू शुरू में बहुत रोई, बहुत चीखी, बहुत चिल्लाई, बहुत तड़पी, मगर फिर खामोश हो गई, क्योंकि मेरी आवाज सुनने वाला तो कोई भी नहीं था। I'm so sorry जी, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया। छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, तुमने खाया भी नहीं होगा ना कुछ। पता है, राशिद ने मुझे कमरे में बंद किया हुआ था, क्योंकि मैं उस घर में गई थी। तुम्हें पता है उसे क्या होता है? वहाँ ये सब शरीफ लोग तमाशा देखते, औरतों की खरीदारी करते। मैंने अपनी आंखों से देखा है, और मुझे नहीं मालूम था कि वहां ये सब कुछ होता है।
उसे तो मुझे कहा था कि वो लड़कियों का हॉस्टल है, इसलिए मैं वहां चली गई थी। क्या ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया पे? ऐसे लोग होते हैं। तो तुमने उसकी शराफत की चादर उतार दी। वो तुम्हें ना जान से मार देता अगर उसने तुम्हारा एडवांस ना लिया होता। हाँ, मैं उस कमीने को कभी ऐसा नहीं करने देती। मैं पहले खुदकुशी कर लेती अगर ऐसा कभी नहीं होने देती। यहाँ ना मैं अपने खाला के साथ रहती हूँ। गांव से माँ बाप ने शहर भेजा था पढ़ने के लिए। ये शहर बहुत खराब है हम जैसी सादा लड़कियों के लिए। फैशन से लेकर मोहब्बत तक की समझ ही नहीं होती हमें। लंबी कहानी है मेरी, तुम्हें फिर कभी सुनाऊंगी। तुम ये बताओ, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, ठीक है? अच्छा सुनो, तुम परेशान नहीं हो ना, यहाँ कोई नहीं आ सकता, तुम सेफ हो, ठीक है? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। माया, आराम से खाना भागा नहीं जा रहा, आराम आराम से खाओ, ठंडा लग जाएगा। मुझे तुम खा। माया बोलना नहीं। हेलो जी सोफिया आपा, क्या मुझे मुझे क्या पता कहाँ है? मैं तो उससे नहीं मिली, ना मैं उसे जानती हूँ ना उसके घर वालों को जानती हूँ, और पार्टी के बाद तो वो पार्लर भी नहीं आई, तो मुझे कैसे पता होगा? अच्छा नहीं, मैं कुछ नहीं जानती इस बारे में। हाँ मैं आपको बताऊंगी। नहीं मैं आज नहीं आ सकती पार्लर, मुझे कुछ काम है, मैं कल आऊंगी। अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ? राशिद इस वक्त गुस्से में पागल हो रहा है, उसने सब लड़कियों के सामने आपा को बहुत बुरा भला कहा, गालियां दी हैं और उन पर हाथ भी उठाया है। कहीं वो यहाँ तो नहीं आ जाएगा? नहीं वो यहाँ नहीं आ सकता, बेफिक्र रहो। देखो माया प्लीज, अब यहाँ से घबरा कर कहीं और मत चली जाना। ये दुनिया बहुत खराब है, यहाँ हजारों राशिद घूम रहे हैं। जानती जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, मैं तुम्हें देखते ही हैरान रह गई थी कि ये लड़की उसके हाथ कैसे लग गई। से बहुत बड़ी भूल हो गई थी, मैं अपनों को छोड़कर घर से निकल गई थी। पता नहीं क्यों मैंने उस राशिद पर भरोसा कर लिया, मगर जेब मैंने उसे कभी अपने करीब नहीं आने दिया। बहुत बहादुर हो तुम, लेकिन हर लड़की में तुम्हारे जितनी हिम्मत नहीं होती। मगर जेब तुम्हारा क्या कसूर था, तुम यहां कैसे? कसूर मेरा था, तफरी करने जा रही थी, घूमना फिरना चाहती थी, आउटिंग करना, पार्टीज में जाना, शॉपिंग करना, घूमना फिरना, ये सब कुछ करने का मेरा दिल चाहता था। दूसरे लड़के लड़कियों की तरह, लेकिन गरीब घर से थी ना, अपने सारे शौक पूरे नहीं कर सकती थी, इसलिए अमीर लड़कों से दोस्ती करती थी, उनके जरिए सब कुछ करती थी। और मेरे बेचारे बूढ़े माँ बाप, वो इतने मासूम थे, जब वो मुझसे कोई सवाल करते थे मैं उनसे झूठ बोल देती थी, और वो बेचारे यकीन भी कर लेते। और फिर इसी दुनिया में मुझे राशिद मिला, उसने मुझे ऐसे हसीन ख्वाब दिखाए कि मैं रास्ते से ही भटक गई और फिर कभी वापस नहीं आ सकी, कभी नहीं। पानी और तुम्हारी खाला? खाला वो कॉलेज में इंग्लिश की लेक्चरर आ रहे हैं, उनका हमारी फैमिली से कोई लिंक ही नहीं था। उनको तो मेरे माँ बाप के इंतकाल का भी बहुत दिनों के बाद पता चला। वो तो यही समझती हैं कि मैं एक पार्लर में जॉब करती हूँ,
उन्हें मेरे इस काम के बारे में कुछ नहीं पता। प्लीज माया उन्हें कुछ मत बताना। कहीं राशि तो नहीं है? पागल हो गई हो? वो यहाँ कैसे आ सकता है? डरने की जरूरत नहीं, मैं देखती हूँ। खाला आप आ गई? वो तो बहुत रोक रहे थे, लेकिन बहुत हो गया, चलूं। खाला, ये कौन है? ये फ्रेंड है मेरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। कहाँ से, क्या सिलसिला है? आप इस्लामाबाद से आई है, कुछ दिन मेरे साथ रहेगी। ये बच्ची खुद जवाब नहीं देती सवालों का? जी मैं माया हूँ, बस कुछ ही दिनों के लिए आई हुई हूँ। असल में मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। जॉब तो जेब भी करती है पार्लर में, तुमने वहाँ क्यों नहीं की? जी वो काम मुझे नहीं आता, मैंने ए लेवल्स किए हुए, मेरा कॉलेज में एडमिशन भी हो गया था, मगर मगर फिर क्या हुआ? मैं आपसे एक बात कहूँ, अगर आप मुझसे सवाल नहीं पूछेंगी तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी। Really? Is that so? लड़कियों की जिम्मेदारी बहुत मुश्किल होती है। जेब तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है? नहीं। देखो जेब मेरे घर में रहती है, मैंने इसकी जिम्मेदारी ली थी, मैं इसको गांव से लाई, कॉलेज में दाखला दिलवाया, पढ़ाया लिखाया, इसकी शादी करानी भी मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन ये तो इसने पार्लर में जॉब कर लिया है। दैट्स हर डिसीजन। अब खाला आज के बाद जो आप कहेंगे वो मैं करूंगी, मगर प्लीज अभी तो नाराज मत हो। बेटा एक अजनबी लड़की की जिम्मेदारी लेना बहुत मुश्किल काम है, कोई आसान बात नहीं है। जी मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, मुझे जैसे ही जॉब मिलेगी मैं यहाँ से चली जाऊंगी, प्रॉमिस। बेटा अगर तुम्हारे पास कोई जगह होती ना जाने के लिए तो तुम पहले ही चली जाती, ऐसे लगता नहीं कि तुम बेसहारा या लावारिस हो, हाल बता परेशान बहुत हो। एनीवे कुछ देर के लिए तुम यहाँ रह सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑल राइट, खाना खा तो तुम इधर आओ। आती हूँ। देखो एक्चुअली खाला ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, इसलिए जॉब करना चाह रही है। आप प्लीज इसके लिए कोई रिस्पेक्टेबल जॉब ढूंढ देना। देखो बेटा काम करने में कोई बुरी बात नहीं है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे तो ये बड़ी कमजोर लगती है। और इसकी तो इसको लगता है कि इसको आराम की जरूरत है, जिस्मानी और असाबी तरह से बहुत टेंस है ये। जी बेहतर यही होगा कि ये कुछ देर आराम करे, फिर जॉब के बारे में भी देख लेंगे। ठीक है। और मैं तो कहती हूँ तुम भी अपनी नौकरी छोड़ो और बीए के जो पर्चे रह गए तुम्हारे उनकी तैयारी करो और इम्तिहान लो। जी खाला मैं यही करूँगी, लेकिन फौरन तो जॉब नहीं छोड़ सकती ना, पहले नोटिस देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो तुम भी खाना खाओ, मैं आराम करने जा रही हूँ। क्या बदतमीजी है ये? बकवास बंद करो, बिठाओ इसे वैन में। अरेस्ट वारंट है आपके पास? खुद अरेस्ट वारंट है तुम्हारे लिए। आखिर जुर्म क्या है मेरा? थाने चलोगे सारे जुर्म पता चल जाएगा। लेके जाओ इसे, बिठाओ वैन में। तुम लोग जानते नहीं हो मुझे, गलत कर रहे हो ये। देख लूंगा मैं तुम सब। राशिद पकड़ा क्या? मगर माया का पता नहीं चला, माया कहाँ है? सर माया तो नहीं मिली, लेकिन और बहुत सी लड़कियां पकड़ी गई,
उनमें से कुछ ने तो बयान कलम बंद करवाया और कुछ गवाही देने से घबरा रही। बहुत बुरी हालत है सर, जख्मी हैं और कुछ को तो जलाया गया है सजा के तौर पर। लड़कियां, उसका तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था। सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो सिर्फ नाम था, असल में वो लड़कियां सप्लाई करता था। ओह माय गॉड, इसे ये साबित तो नहीं होता कि माया राशिद के पास है? सर हो तो कुछ भी सकता है, मगर अब राशिद को नहीं छोड़ा जा सकता। बहुत मासूम लड़कियों की जिंदगी तबाह की, बहुत लंबी फहरिस्त है उसके जराइम की। थैंक यू एसपी साहब, आप अपनी इंक्वायरी जारी रखें एंड मेक श्योर कि हम जल्द से जल्द माया तक पहुंचे। बहुत दिनों के अंधेरे में स्ट्रगल करते हैं। सर अगर आपकी बेटी मिल जाती तो हमें लगता कि हमारा टास्क मुकम्मल हो गया, लेकिन इंशाल्लाह इसे कोई क्लू जरूर मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू। अब ये भी बताना पसंद नहीं करेंगे कि क्या बात हुई, माया का पता लगा? नहीं, लेकिन ये जरूर पता चल गया है कि तुम्हारा बेटा क्या करता है। न जाने उसने कितने घरों में आग लगाई, माया जैसी कितनी मासूम लड़कियों को दौलत की हवस में बेच दिया। लेकिन ये खेल खत्म हो चुका है दिया बानो, तुम्हारा बेटा पकड़ा गया है। पुलिस वालों को तो काम है बकवास करना, उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। इनका तो काम है कि किसी का केस चंद रुपयों के लिए किसी और पर डाल देते हैं। कितने रुपयों में किसने किसको बेचा है इसका फैसला तो अदालत करेगी। क्या मिल गया आपको मेरे बेटे को गिरफ्तार करवा के? उसे इस तकलीफ का एहसास दिलाना चाहता हूँ जो उसने मुझे और मुझ जैसे कई वालदैन को दी है। और अगर राशिद पे ये लगाया हुआ इल्जाम साबित हो गया तो? या तो तुम बेवकूफ हो या मुझे बेवकूफ समझ रही हो। तुम्हारे बेटे पे कोई ना कोई इल्जाम जरूर लगेगा। एक इल्जाम भी साबित हो गया तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ अतिया बानो, वो जेल जरूर जाएगा। और अगर हमारा बेटा जेल गया तो हम आपको यकीन दिला दें शाजिब साहब कि हम इस घर की ईंट से ईंट बजा देंगे। सांप के बच्चे को जितना दूध पिलाओ डंग मारना नहीं छोड़ता। कुछ बका इसने? नाम क्या है? राशिद। माया कहाँ है? नहीं जानता। मैंने पूछा माया कहाँ है, मैंने कहा ना मैं नहीं जानता। ये जो लोग हैं बहुत जालिम हैं, कभी कभी तो मुझे इनसे भी डर लगता है क्योंकि ये मेरी भी नहीं सुनते। प्यार से पूछ रहा हूँ, बता दें माया कहाँ है? मैंने कहा ना मैं नहीं जानता। मैंने पूछा माया कहाँ है? नहीं जानता। इन्वेस्टिगेट करो इसको, और जब तक साहब आए तोते की तरह बोलता हुआ चाहिए ये। आजम टाइट करो इसको। सर ये सामान मिला है उससे? कुछ बताया उसने? सर मुझे लगता है ये कुछ भी नहीं जानता माया के बारे में। ऐसे मुजरिम इतनी आसानी से नहीं बताया करते, तुम पूछ कर जारी रखो। जी सर। कुछ माँ बाप के बारे में बताया उसने, कौन है कहाँ के हैं? सर बोलता मैं लावारिस हूँ। ठीक। हेलो। हेलो राशिद। नहीं आप कौन? हम अतिया शाजे बोल रहे हैं। ओ मिसेस शाजे, मैं एसपी बख्तावर बात कर रहा हूँ। हाँ एसपी साहब, दरअसल हमने आप ही से बात करनी थी। मैडम तो आपने मुझे मेरे नंबर पर कॉल किया था, ये तो राशिद का नंबर है।
दरअसल एसपी साहब, हमने राशिद को ही कॉल की थी। राशिद को? आपको क्या काम पड़ गया उससे? एसपी साहब, राशिद ने हमें कुछ दिन पहले कॉल की थी, वो हमें कुछ बताना चाह रहा था। क्या बताना चाहता है वो आपको? शायद उसकी बात से हमें कार्रवाई में कोई मदद मिल सके। अगर हमें पता होता वो क्या कहना चाह रहे तो हम फोन ही क्यों करते। दरअसल हम अपनी बच्ची के बारे में पूछना चाह रहे थे। मैडम आप तो नाराज हो गई, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, बच्ची आपको मिल जाएगी। आप पुलिस वाले सारा दिन मुजरिमों के साथ रहते हैं, इसलिए सबको एक नजर से देखना शुरू हो जाते हैं। हमारी इतनी मजाल मैडम कि हम आपको मुजरिम समझे। खैर, आप हमारी राशिद से बात कराइए। सॉरी मैडम, वो इस वक्त इंटरोगेशन में है और मैं इस वक्त उसकी बात किसी से भी नहीं करवा सकता। आप जानते हैं आप किसे मना कर रहे हैं? बात माना चाहता हूँ मैडम, लेकिन ये आपके शौहर का ही हुक्म है कि उसकी किसी से मुलाकात या बात न कराई जाए। हम शाज़िब से बात कर लेते हैं। मैडम अगर आप कहें तो शाज़िब साहब से इजाजत लेके मैं खुद आपकी राशिद से बात करवा दूं। इस एहसान की कोई जरूरत नहीं, हम खुद ही बात कर लेंगे। सुनो, उस पर ज्यादा सख्ती न करना जब तक मैं न कहूं। ओके सर। शायद वो नहीं जानता। होश में रह के बात करो, वरना तुम्हारा मैं वो हाल करूंगा कि तुम याद रखोगे। मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है और मुझे जेल में डालने की ये साजिश है, और मैं जानता हूं कि ये किसकी साजिश है, लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं। अभी मालूम हो जाएगा। याद रखो, अगर माया नहीं मिली तो तुम भी गए ऊपर। ये मुझे ऊपर भेजने वाला कौन है, जरा मुझे भी तो पता चले। जी सर। जी मैं वहीं मौजूद हूं। आई एम सॉरी सर, लेकिन इन हालात में मैं उसे छोड़ नहीं सकता। सर मैं आपकी बात भी नहीं टाल सकता, आपका हुक्म सर आंखों पे, लेकिन ये मेरे इख्तियारात से बाहर है। सर मैं उसकी फाइल की एक कॉपी आपको पहुंचा देता हूं, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। वजीर दाखिला साहब का फोन आया था, वो ज़ाती तौर पे इस केस में दिलचस्पी ले रहे हैं। जब तक वो बाजियाब नहीं हो जाती, उनका हुक्म है कि मुल्ज़िम को बिल्कुल न छोड़ा जाए। सर दरअसल ये बहुत सारी लड़कियों का मामला है, कुछ लड़कियां मारी गई हैं, कुछ जख्मी हुई हैं और कुछ तो जला दी गई हैं। इस केस में ये मालूमात सामने आई है। ठीक है सर, मैं हाजिर होता हूँ, लेकिन सर मामला मेरे इख्तियार में नहीं है। बड़े ताल्लुकात बना रखे, ऐसा कौन सा बिजनेस करते हो? याद रखो, अगर माया नहीं मिली तो समझो तुम भी गए। मैं कितनी बार बताऊं कि मैं माया को नहीं जानता। ये माया है और तुम्हारा घर। अब बोलो, ये तस्वीरें तो बच्चा ही बना सकता। ये तस्वीरें तुम्हें सूली तक पहुंचाने के लिए काफी हैं।
तुम्हारे कहने से क्या होता है, पर अभी तो सिर्फ एक फोन है और तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा कि तुमने किस पे हाथ डाला। मैं तो मुफ्त में मारी गई ना, पुलिस खामखा मेरे पीछे पड़ गई है। जब देखो पुलिस स्टेशन से पुलिस वाले आके लड़कियों से सवाल जवाब करने के बहाने छेड़खानी करते हैं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब कॉलर का काम तुम संभालो। बहन, मैं तो नोटिस देने आई थी 15 दिनों का, मैं पार्लर का काम छोड़ रही हूँ। हरगिज नहीं, राशिद के पकड़े जाने से दबाव बढ़ रहा है और वैसे भी पुलिस ने उसके दोनों फार्म हाउस सील कर दिए, अब पार्लर में सिर्फ पार्लर का ही काम होगा। और सुनो, वो जो फालतू लड़कियां भेजी गई थी ना, उनकी छुट्टी कर दो। अगर पुलिस सवाल करे तो कह देना पार्लर में काम कम हो गया था, उन्होंने कहीं और जॉब ढूंढ ली होगी। मैम, मेरी माँ ने तो पार्लर बंद कर दे, मैं ये काम अकेले नहीं संभाल सकती, और वैसे भी यहाँ पुलिस आ चुकी है, अब शरीफ औरतें तो आएंगी नहीं, बिना वजह पार्लर खाली पड़ा रहेगा और अखराजात अलग होंगे। एक दो महीने बाद जब हालात सही हो जाएंगे तो हम वापस खोल देंगे। मैं आज ही बाहर नोटिस लगवा देती हूँ। तुम्हारी मर्जी, तुम जो जी चाहे करो, मगर मेरी मानो तो पार्लर अभी बंद ना करो, दो चार लड़कियों के साथ ही गुजारा करो। अगर पार्लर बंद कर दिया तो पुलिस को हम पे शक हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहती। अब वो कुछ भी कर ले, पुलिस की हिरासत से नहीं छूट सकता। उसके जुर्म की बहुत लंबी लिस्ट है, और सबसे जरूरी बात यह है कि माया उसके पास नहीं है। अंकल, ये भी तो हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो। पुलिस ने मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया है, और इतनी मार खाने के बाद तो कोई भी बेगुनाह अपने जुर्म का इकरार कर लेता है। डैड, वो बेगुनाह नहीं है। वो बेगुनाह तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि उसने जितनी लड़कियों का घर बर्बाद किया है उसमें से माया ना हो। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी मिल जाए और किसी बेगुनाह को सजा भी ना मिले। डैड, आप उससे क्यों इतनी हमदर्दी कर रहे हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी गैर मौजूदगी में उसने माया के साथ क्या किया। माया उसकी वजह से कितनी डरी डरी रहने लगी थी। असल बात तो बस अल्लाह ही जानता है। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी जहाँ भी हो ठीक हो, और जज्बात में आके कोई गलत फैसला ना। इंशाल्लाह अंकल ऐसे ही होगा। माया बहुत बहादुर और समझदार लड़की है, ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे आपका उसका सर नीचा। हेलो जी, मैं इस्लामाबाद में हूँ। ठीक है, मैं चक्कर लगा दूँ। ओके, बाय। क्या हुआ अंकल? एसपी साहब का फोन बताया तो कुछ नहीं है, लेकिन जाकर पता कर सकता। By the way, तुम जेब को कब से जानती हो? और ये मत कहना कि मुझसे सवाल ना कीजिए। जी बस मुश्किल से 2 हफ्ते हुए होंगे। आपको पता है जेब ने मेरी जिंदगी बचाई है, मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। सेब बहुत अच्छी है, ख्याल रखने वाली। That's true. उसकी माँ भी इसी तरह थी। उसे आपकी बहुत जरूरत है। असल बात तो ये है कि मुझे उसकी बहुत जरूरत है। मेरी तो कोई औलाद है नहीं, जेब ही मेरी बेटी है। जी, ऐसा करते हैं, चलो उसे जाके ले आते हैं। उसे कहूंगी कि लिखते इस्तीफा और छोड़े नौकरी। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। एक्चुअली जेब भी खुद नौकरी छोड़ना चाहती है, मगर जिन लोगों के लिए वो काम करती है वो लोग बहुत बुरे हैं, वो उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। अरे, किसी ने गड़बड़ की तो आई विल फिक्स देम। क्या समझते हैं वो? चाय पियो, ठंडी हो रही। और सुनो स्वीटी, तुम्हारे जॉब के बारे में मैंने कुछ अपने फ्रेंड से बात की है, वो लोग देखो एक आध दो रोज में बताएंगे। थैंक यू आंटी। लेकिन बात यह है कि जहाँ भी तुम जॉब करोगी वो तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ ना कुछ तो जानना चाहेंगे। जो सच है मैं उन्हें वही बताऊंगी।
और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। लेकिन किसी ने तो तुम्हें पाला पोसा पढ़ाया लिखाया होगा। बहुत से बच्चे इस तरह ही पल जाते हैं। मैं कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ, बस वहीं रहती थी। देखो तुम दुनिया से जो चाहे कहो, मुझे कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन मेरे साथ झूठ बोलने की जरूरत नहीं। क्या जरूरत है सारी जिंदगी झूठ के सहारे जिया जाए हुँ? और झूठ कभी ना कभी पकड़ा जाता है। जानती हूँ मैं, मगर मैं अपनी जिंदगी को और तमाशा नहीं बनने दूंगी। आप अगर समझती कि मैं गलत काम कर रही हूँ तो शायद मैं कर रही हूँ, मगर इससे किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा रही। बस मुझे यही करना है। और माफ कीजिएगा, मैं यहाँ इस तरह भी नहीं रह सकती, मुझे कोई ना कोई जगह मिल जाएगी। मगर मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, मैं ख़राब लड़की नहीं हूँ। मैंने ज़िंदगी में कोई काम ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े। प्लीज़ आप जेब से कह दीजिएगा कि मैं कॉन्वेंट जा रही हूँ, वो लोग मुझे खुशी खुशी रख लेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों को कोई तकलीफ हो या किसी तरह की शर्मिंदगी महसूस हो। चुपचाप बैठी रहो और आई विल फिक्स यू। देखो बेटा, तुम्हारी उम्र की लड़कियां इस तरह अकेली सड़कों पे नहीं निकलती, और जो निकलती हैं वो पछताती हैं। मुझे तुम्हारी कहानी से कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं एक अच्छे घराने की लड़की को तबाह नहीं कर सकती। इसीलिए जब तक तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलती और कोई रहने की सूटेबल जगह नहीं मिलती, तुम यहाँ रह सकते हो। तुम जिसकी भी बेटी हो वो तुम्हारे लिए बहुत दुआएं करती होंगी, और मैं किसी की दुआओं के बीच में आके गुनाहगार नहीं बनना चाहती। बेटा माया, लाइफ इज अ चैलेंज, और बहुत बहादुरी से उसका मुकाबला करना होता है। और देखो एक बात मैं तुम्हें बता, अपनों का दिल दुखा के इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। मुझे तो कभी कुछ नहीं, मैंने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा। दिल तो मेरा टूटा। इस उम्र में दिल बहुत जल्दी टूटते हैं और उतनी जल्दी जोड़ भी जाते हैं। तुम देखना, चंद दिनों में बिल्कुल खुश रहने लगोगे। मेरे पास खुशियां बची हैं, मैं कैसे खुश रहूं? जितनी खुशियां मिली थी मुझे, मैंने बहुत जल्दी खर्च कर डाली। मेरे हाथ खाली, कोई खुशी देने वाले सब बहुत दूर खो गए। ऊपर वाले के पास बहुत बड़ा खजाना है खुशियों का, और वो बांटता रहता है, उससे मांगो। कुछ तस्वीरें मिली जिनसे साबित होता है कि माया उसी के पास थी। अब कहाँ है माया? वो कहता है कि भाग गई किसी के साथ। बकवास करता है, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, जरूर उसी ने गायब किया होगा। 4 महीने से मेरी जेब में पड़े पड़े सूख गई है शायद ये। सोचा था आज डिनर के बाद तुम्हें प्रेजेंट करूंगा, अब अगर डिनर पे नहीं जा रहे हैं तो नहीं एक्सेप्ट कर लो। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि उन लोगों के फोन आने का मकसद क्या है और उनके इसके साथ क्या ताल्लुकात हैं। सर मासूम बच्चियों की सप्लाई करता है, ताल्लुकात उसके नहीं होंगे तो किसके होंगे सर? बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी महफिलों में लड़कियां पेश करता है, उसके लिए फोन तो आएंगे ना सर? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि माया ने अब तक आपके बेटे को जान से क्यों नहीं मारा। क्योंकि उसने माया को जान से मार दिया होगा।